जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोग देखे थे नंबर सिस्टम में बेसिक चीजें। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को हम आज अच्छे से करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन आपका आएगा, इसमें पहला क्वेश्चन जैसे कह दिया जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऑप्शन क्या कह देगा? 0, 1, 2, 3। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे 0, 1, 2, 3। तो आपका आंसर क्या होगा कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और यहीं पे पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर आएगा 4। 4 जो है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा होगा, शून्य क्या है? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, अगला ऑप्शन है धनात्मक पूर्णांक है, अगला है ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? पूर्ण संख्या। क्या है ये? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 0 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। 0 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कल हमने बताया था निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, या तो आप देखें कि 0 और 100 के बीच में कितनी होती हैं संख्याएं, या फिर हमने एक तरीका बताया था 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा ट्रिक, आप तुरंत आपके निकल आएंगे संख्याएं कितनी होती हैं। तो देखेंगे कितनी होती हैं, 4, 4, 8, तो 10, 10, 5, 15, और 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 19, 1, 20, 20 और ये 5 कितना हो जाएगा? 25। तो हमने कितना बताया था? 25 ही बताया था। तो 0 और 100 के बीच में 25 संख्याएं जो होंगी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, कितनी होंगी? 25 जो है अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, जिसमें से ऑप्शन आपके दिए हैं 10, 11, 16, 17। 10, 11, 16, 17 ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बताइएगा कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। आ गया होगा आप लोगों का आंसर, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो यहाँ जोड़ेंगे इन सभी को तो ये कितना हो जाएगा? 7, 3, 10, 5 और 2, 7। तो 10, 7 कितना हो जाएगा? 17। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि हमारा जो आंसर होगा 17 बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा? 17 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यन को चार से भाग देने पर, चार से भाग देने पर तीन शेष रहता है, तीन शेष रहता है। 2n को चार से भाग देने पर, चार से भाग देने पर क्या शेष होगा, क्या शेष होगा, बताना है आपको क्या शेष होगा। ऑप्शन में आपके दिया है ए ऑप्शन, बी सी और डी। ए ऑप्शन में दिया है एक दो तीन चार, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चार नहीं यहाँ पे छह है ऑप्शन में, बताइएगा आप लोग, लगाइए देखते हैं कितने लोगों को लगता है। लगभग सभी का आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या होता है, कह रहा शेष देने पर तीन शेष रहता है, तो आपको यहाँ करना क्या होगा, जो शेष कहता है रहता है उसे आप यन मान लेना। दोस्तों लाइट चली गई है, चलेगा कोई बात नहीं है, हम लोग देखेंगे ऐसे कि यहां पे क्या करना होगा कि तीन जो होता है, तीन जैसे दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग यन मान लेंगे, यन बराबर कितना हो गया तीन हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा मान निकल जाएगा टू, यन की जगह में हम तीन रख देंगे तो कितना हो जाएगा छ, और भाग किससे करना है, अब चार से करना है, तो चार से भाग करना है तो चार से भाग करेंगे तो कितना आएगा ये शेष दो आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दो। तो सभी साथियों का आ गया होगा कि इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा दो आ जाएगा, ठीक है कितना आएगा दो आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि क्वेश्चन है, यदि नौ से भाज्य हो तो एक्स का मान होगा। यहाँ पे आपसे यक्ष का मान पूछ रहा है, ए ऑप्शन दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। ए छः दिया है, बी पांच दिया है और यहाँ पे सी चार दिया है और ये तीन दिया है। तो आपको देखना है कि इसमें से यक्ष का मान क्या होगा, यक्ष का मान क्या होगा, तो लगाइएगा आप लोग। यहां से नौ का रूल आपको मालूम होगा, हमने नौ का रूल जब बताया था कि नौ का रूल क्या होता है, यहाँ पे जो संख्याएं होती हैं इनके अंकों का क्या कर देते हैं योग कर देते हैं, ठीक है अंकों का क्या कर देते हैं योग कर देते हैं, और फिर उसके बाद नौ से भाग करेंगे तो देखेंगे किसकी कमी आ रही है और हम आराम से भाग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तीन है, चार, चार तीन सात हो गया, सात और तीन इससे ले लेंगे, सात और छः कितना हो जाएगा सात छः तेरह, और तेरह और आठ कितना हो जाएगा तेरह, अगर सात लेते तो कितना हो जाता बीस, एक एक्स्ट्रा था इसमें तो हो जाएगा इक्कीस, इक्कीस प्लस यक्ष बटे नौ। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि नौ त्रिक सत्ताईस होता है, ठीक है नौ त्रिक सत्ताईस होता तो पूरा पूरा कट जाता, अभी यहाँ पे कमी कितने की है छः की, तो यही पूछ रहा था कि यक्ष का मान क्या है, तो हम देखेंगे कमी किसकी थी, यहाँ पे यक्ष की कमी थी, तो यक्ष का मान हम कितना रख दें कि ये कट जाएगा, तो बोलेंगे कि यक्ष बराबर कितना रख सकते हैं
छह रख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 19 की पावर 200 को 20 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, बताना है आपको। ऑप्शन दे देते हैं, 19, 20, 3, 1, ये आपके ऑप्शन हैं, तो लगाइएगा, देखते हैं कितना आंसर आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें कि इसका आंसर क्या आएगा, और लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे गए हैं, तो लगाइएगा आप लोग, फिलहाल सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया क्या है, 19 दिया है, ठीक है, और यहाँ कितना है, 20 है। हमको करना क्या है, यदि यहाँ पे हम 20 के 20 करते तो अभी कमी किसकी है 19 में, एक की कमी है ना, एक की कमी है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, हम कर देंगे 200। अब देखेंगे किससे 20 किससे भाग करना था, ठीक है, तो हम प्लस और माइनस में जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किसकी कमी थी, तुमने एक कमी थी, तो अब एक की पावर कितनी है, ये 200 है। अगर पावर सम होती है तो प्लस में वो आ जाता है मान, और अगर ये विषम होता है तो क्या हो जाता है, फिर माइनस में माना जाता है। तो यहाँ तो पावर सम है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होने, एक ही हो जाएगा, और बटे में कितना है, 20 है। अब जब भाग करने वाला जो होता है भाग, यहाँ अंश से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, अंश छोटा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, तो वहां पे अंश ही आंसर हो जाता है। जैसे आपसे कह दीजिए 2 को 3 से भाग किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि हमारा आंसर क्या है, शेष 2 ही हो जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार से हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब इसी में पावर में जैसे दिया हो, पावर में तब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका 4764, 4764 की पावर 4764 की पावर 1795 को 5 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, शेषफल है, शेषफल है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा, तो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4, लगाइएगा आप लोग दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जैसे दिया है 4764 की पावर जो दी हुई है 1795, आपको पूरे को भाग नहीं करना, पहले क्या करना होता है, दो अंकों को पावर में, दो अंकों को क्या कर लेते हैं, 4 से भाग कर लेते हैं, किससे, 4 से, तो 4 से भाग करेंगे, तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 × 2 = 8, और यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12, शेष कितना बचा, ये 3 बचा है।
जो ये शेष बचता है तीन, तो हम क्या करते हैं, जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक पे क्या कर देते हैं, पावर हम उसकी चढ़ा देते हैं। तो चार की पावर तीन का तात्पर्य है कि चार जो लिखा है तीन बार लिखा है, तो चार चौक 16 चौके 64, इसका मान क्या आएगा 64 है। अब भाग बेटा किससे करना है आपको, पांच से करना है, तो पांच से भाग करेंगे तो पांच के पांच बचा एक, पांच दुनी दस बचा कितना चार, तो शेष कितना बच गया, चार बच गया, और शेष ही तो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो बोलेंगे आंसर कितना आ जाएगा, चार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का चार आ रहा था वो बिल्कुल सही आंसर था उनका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया है आपका, किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। यहां भी हम क्या करेंगे, जब कह रहा 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, तो जो शेष आए बाद में जो भाग करने वाले से कहे, तो यहां भाग कर दिया जाता, उसी से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 29 में 8 से भाग कर देना है, 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितने बार ले जाएंगे इसको, 8 त्रिक 24, 24 ले जाएंगे, 24 और 5 कितना होता है 29, तो शेष क्या बचेगा, फिर 5 बचेगा, भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आसान होता है, लेकिन परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर ये पूछा जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है पेपर में। चलिए अगला देखेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए आता है क्वेश्चन, इकाई अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है गुणनफल 2467 की पावर 153 गुणे 341 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इकाई अंक पे जो संख्याएं होती है पावर में, उनकी हम लास्ट से इकाई और दहाई मतलब दो संख्याओं को हम भाग करके देखते हैं किससे, बोलेंगे चार से। अच्छा, ये चार से ही क्यों भाग करते हैं हम लोग, आपको जानकारी होनी चाहिए। चार से इसलिए भाग करते हैं कि जब कोई भी संख्या हम चार बार गुणा करते हैं, चार के बाद जैसे ही पांचवें बार नंबर आता है, वो संख्या क्या होती है, रिपीट होके इकाई अंक पुनः मिल जाती है। जैसे 2 × 4 × 8 × 16, और 16 तो आ गया है, 16 को जैसे ही हम अगली बार गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा 32, फिर देखो इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया। तो जो संख्या से स्टार्ट करते हैं वही संख्या पुनः मिल जाती है, जैसे 3 ले लो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, अब चार बार हो गए, 3 × 9 = 27 और गुणे 3 करेंगे कितना जाएगा 7 × 3 = 21, और यहाँ 3 × 2 = 6 और 81 हो जाएगा। 81 को जैसे ही 3 से गुणा करेंगे अगली बार हम लोग, यहाँ जैसे गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 8 × 3 = 24, देखो क्या आएगा, इकाई का अंक 3 आ गया। तो इकाई का अंक जैसे ही 3 आ जाता है, फिर से कहने का तात्पर्य, जब हम चार बार के बाद पांचवें बार जैसे ही संख्या में गुणा करते हैं उसी संख्या से, वो संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, चार से भाग करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें चार से भाग करेंगे तो 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 4 और 4 × 3 = 12 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 लिख देंगे गुणे, यहाँ पे देखेंगे भाग करेंगे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ जब भी हम कोई यहाँ शेष बचेगा और 1 की पावर ही तो हम लिखेंगे जो शेष बचेगा, तो कोई मतलब नहीं मिलेगा, 1 की पावर कितनी भी लिख लो आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला, 1 ही आएगा। तो यहाँ देखेंगे 1 × 7 = 7 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 122 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा, 122
22 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा? 122 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा, निकालिएगा आप लोग। तो देखेंगे यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो अंकों को चार से भाग करेंगे, चार से भाग करेंगे, चार के चार बचे कितना, तीन, हो जाएगा 33। तो 33 को हम फिर से जैसे चार से भाग करेंगे, चार बट 32 होता है, इकाई अंक पे एक आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका एक बचेगा शेष, शेष क्या बचेगा, एक बचेगा, और दो की पावर एक का तात्पर्य कितना है, दो। तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, दो। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है 207 गुणे 781 गुणे 781 गुणे 39 गुणे 94 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये और आसान होता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम, ठीक है। तो इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ क्वेश्चन ही कह रहा है हमको इकाई अंक चाहिए, तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल इकाई के अंकों से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए, इकाई के अंकों से मतलब होना चाहिए। तो देखेंगे सात का गुणा एक के साथ करेंगे तो सात आएगा, फिर सात का गुणा नौ के साथ करेंगे तो 963 हो जाएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। अब तीन का गुणा चार से करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ पे हमारा इकाई अंक से मतलब है, दहाई से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दो, दो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से लग गया होगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी लोग देख सकें इसको। और जो जिनको समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो वो साथी भी आपके देख सकें और समझ सकें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, योग पे जो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, आपको योग बताना है। तो कल जो लोग, जो या दोस्त, जो साथी हमारे कल वीडियो देखे थे, उसमें हमने सभी बताए थे बेसिक चीजें और योग के सूत्र भी बताए थे हमने। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख लिए होंगे, और जो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, वहाँ पे वीडियो पड़ी होगी। तो यहाँ देखेंगे कि विषम के लिए सूत्र हमने क्या बताया था, आसान होता है, एन स्क्वायर होता है। विषम के लिए क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, और सम के लिए क्या होता है, एन एन प्लस वन होता है। क्या होता है, एन एन प्लस वन होता है, ये होता है सम के लिए, और ये किसके लिए होता है, विषम के लिए। याद रखना, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगेगा, कुछ नहीं करना था, जो संख्या दी है उसी का वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग कितना होता है, 400, बस आपका आंसर 400 आ गया, ठीक है। तो आप जाकर के वो वीडियो पुरानी वाली देख लीजिएगा, पिछले कल की क्लास की, तो ताकि आपको चीजें समझ में और आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी टाइप का। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। आपकी बात क्या पूछ रहा है, सम संख्याओं का। तो सम संख्याओं का क्या होता है, तो सम संख्या के लिए अभी हमने सूत्र बताया है, n n+1, ये आपका सूत्र होता है सम के लिए। तो कितनी संख्याएं हैं, 25। तो 25 गुणे कितना हो जाएगा, 1 जोड़ दो 25 में, तो कितना हो जाएगा, 26। गुणा कर देंगे इसको, 25 छक्के कितना होता है, 150, हासिल आएगा 15, 25 दूनी 50, 50 10 60 5 65। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 65 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने लोगों का 65 आया है वो बिल्कुल सही हैं, और जिनका नहीं आया है तो सूत्र जरूर याद कर लें, जिससे कि अगली बार जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप तुरंत कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
या कोई गलती हुई है तो जरूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में उसको सुधार कर सकें। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।